अपने ही हाथ का बना हुआ मीट जब बेरंग और बेस्वाद लगे तो ये घर में बना हुआ गरम मसाला ट्राई करें। इसका एक चम्मच मीट में ऊपर से डालें और भुने मसाले का स्वाद पाएं, जैसा कि लोकल हंडा मसाला या हांडी मसालेदार मीट बनता है, वैसा ही देहाती स्टाइल का भुना मीट मसाला तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से बन जाता है, जिसमें हम एक गरम मसाला तैयार करेंगे जो आम गरम मसाले जैसा ही बनाया जाएगा। इसमें हरी इलायची डालते हैं और काली मिर्च और ज़ीरा तो लगभग हर गरम मसाले में ही डालते हैं। हरी इलायची है, काली मिर्च है, स्टार एनिस है, दालचीनी है, साथ में लौंग है, जायफल है। जायफल इस मसाले का खास हिस्सा है और इसके साथ ही हम इसमें धनिया भी इस्तेमाल करेंगे। इस गरम मसाले में धनिया इस्तेमाल करने से भूनते समय जब आप इसे यूज़ करेंगे तो धनिया की बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है। और ये मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर नहीं रखते हैं, बस इसे ताज़ा ताज़ा बनाकर मीट में इस्तेमाल करते हैं भूनते समय, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना बनाया जाता है कि दो या तीन बार इसे इस्तेमाल किया जा सके। परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इस तरह के और भी कई मसाले हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस आसान से मसाले को आप बनाएं और इसे जार में रखें ताकि ये ज़्यादा दिन तक अपनी खुशबू बनाए रखे। बस इतना इसे भून लेना है कि आपका हाथ इसकी गर्मी को सह सके। इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए और ना ही इस कारण ब्राउन होना चाहिए। ज़्यादा भून लेने से ये सारे मसाले अपना नेचुरल ऑयल रिलीज़ कर देंगे। इससे आपके गरम मसाले की खुशबू कम हो जाएगी, साथ ही उसका टेस्ट भी कम हो जाएगा। और अगर आप बड़ी क्वांटिटी में बनाकर इसे रखते हैं तो उसका स्वाद भी कम हो जाएगा। तो हमने इसे यहाँ पर भून लिया है और फिर एक प्लेट में इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रखा है। ये ख़ास ध्यान रखें कि इस मसाले को बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, कुरकुरा रहना चाहिए। आप देख सकते हैं दालचीनी बिल्कुल कुरकुरी हो चुकी है। अब देखिए, इसे हमने मिक्सी पॉट में रुक रुक कर 5 सेकेंड एक बार चलाया और 10 सेकेंड दूसरी बार चलाया है। इतने में ही यह मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई तैयार हुआ है। ना ही ये काला हुआ है और ना ही इसने अपना तेल छोड़ा है। आप इस मसाले का 1 टेबल स्पून भर कर 1 kg मीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसकी 1/4 टीस्पून आप 1/2 kg सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लें। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार साग की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बाज़ार के गरम मसाले से तो ये सैकड़ों गुना बेहतर है। ये साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक है, टेस्टी है, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है। आप देख ही रहे हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप भी इसे बना सकते हैं, बनाएं और इसे इस्तेमाल करें। देखिए, ये बहुत ही टेस्टी गरम मसाला है और इसमें मैंने धनिया इस्तेमाल किया है। धनिया हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और ताज़ा ताज़ा इस गरम मसाले को यूज़ करने से आपकी सब्ज़ी, करी, सूप बहुत ही शानदार बनेगा। इस तरह से 1 टेबल स्पून भूनते समय आप ये मसाला मिला लें, ऊपर से धनिया की पत्ती काट कर डाल दें, थोड़ा सा अदरक का जूस डाल दें, 1 चम्मच आप घी डाल दें और भून कर गर्मा गर्म परोस दें। ये बिहारी हंडा मसाला वाला मीट तैयार हो जाएगा या हांडी मसाला मीट करी तैयार होकर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसे सादे चावल के साथ परोसते हैं और इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप अपनी पसंद के मसाले के साथ जैसा चाहें वैसा मीट तैयार करें, बस लास्ट में इस मसाले से 1 चम्मच यूज़ कर लें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे ढककर आप किसी भी जार में रखें
प्लास्टिक जार में भी रख सकते हैं, बस ये कि शीशे का जार ज़्यादा बेहतर होता है। ये मसाला आप अपने जानने वालों को, किसी भी स्पेशल ओकेजन पर अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए, ये चुटकी भर मसाला ही बड़े काम का है। दाल में या तड़के में ये मसाला बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो इसे बनाएं। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। देख सकते हैं आप ये कितना शानदार दिख रहा है। मार्केट वाली गरम मसाले से तो ये सैकड़ों गुना बेहतर है। उम्मीद है आप भी इसे ट्राई करेंगे।